वाराणसी में शिवसेना के फायर ब्रांड नेता अरुण पाठक की ओर से शहर में एक पर्ची बंटवाई जा रही है, जहां इन पर्ची के माध्यम से फायर ब्रांड नेता अरुण ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि आम श्रद्धालुओं के लिए विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित रूप से दर्शन पूजन करने के लिए कपाट खोल दिए जाएं, जिसको लेकर शहर के कई इलाकों में शिवसेना के पर्ची बंटवाने से एक बार फिर श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता, आस्था में विश्वास रखने वाले और अपनी हठधर्मिता से न्याय दिलाने वाले अरुण पाठक जी हमारे साथ हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी नया एक आंदोलन फिर से शुरू किया है माता श्रृंगार गौरी का नित्य दर्शन करने के लिए। माँ श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ के विषय में ऐसा सुनते आए हैं कि बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोए, और बाबा के दरबार में माँ श्रृंगार मैया जो कहे सो होए, तो बाबा की वर्धांगिनी है और ये पाप हुआ है, बड़ा पाप हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार है, आपकी भी एक तरह से सरकार है, अलायंस में है, यूपी में योगी सरकार है, मतलब हर तरफ बीजेपी है, फिर भी इतना समय लग रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने पत्र भी कई बार लिखा, ट्वीट भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये आंदोलन आखिर कहाँ तक जाएगा? देखिए, काशी में एक तरह से कह सकिए कि अदृश्य 370 लगा हुआ है। यहाँ पे हम तिरंगा फहराने जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को माधवराव धरा पर, तो हमको तिरंगा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हम माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने जाते हैं तो